नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। कहते हैं कि बीती घटनाओं यानी इतिहास से बढ़िया शिक्षक कहीं नहीं मिलता, इसलिए हमने सोचा कि प्रत्येक तारीख में बिहार, देश और दुनिया में घटी घटनाओं की जानकारी आप तक हम पहुंचाएं और आपको इतिहास से रूबरू करवाएं। इसी कड़ी में आज 24 जुलाई की तारीख में घटी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाओं पर डालते हैं एक नज़र। खबर की शुरुआत करते हैं हमारे भारत से। आज ही की तारीख 24 जुलाई को मनोज कुमार, जिन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म हुआ था। मनोज कुमार भारत में देशभक्ति और किसान से जुड़े मुद्दों पर फिल्म बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी फिल्म पूरब और पश्चिम, जिसमें दिखाया गया है कि लोग कैसे भारत से विदेश पलायन करते हैं, इसी फिल्म से उन्हें भारत कुमार का नाम मिला था। बॉलीवुड में सराहनीय योगदान के लिए उन्हें 1992 में पद्मश्री और 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं खेल से। 24 जुलाई सन 2000 को शतरंज खिलाड़ी सुब्बा रमन विजयालक्ष्मी भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी, जिन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला। ग्रैंड मास्टर एक टाइटल है जो शतरंज के सर्वोत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ियों को दी जाती है। यह टाइटल शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा दी जाती है, जिसका नाम है फिडी। इस टाइटल को पाने के लिए कई शर्तें होती हैं। फिडी द्वारा मान्यता प्राप्त शतरंज के कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विजेता बनना पड़ता है। यह टाइटल 1950 से दिया जा रहा है। भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद है, जिन्होंने यह खिताब 1988 में हासिल किया था। अब बात राजनीति से। 24 जुलाई भारतीय राजनीति में एक खास मुकाम रखता है। 24 जुलाई 1989 को पहली बार भारतीय राजनीति के इतिहास में लगभग सभी विपक्षी सदस्यों ने एक साथ लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। यह इस्तीफा 1984 में 414 सीट जीतकर सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान चर्चित बोफोर्स घोटाले के विरोध में दिया गया था। यह सभी इस्तीफे स्पीकर द्वारा स्वीकार कर लिए गए थे। अब बात विज्ञान से। 24 जुलाई की तारीख विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए। 24 जुलाई 1969 को अमेरिका का अपोलो 11 अंतरिक्ष यान तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को, जिन्होंने पहली बार चांद पर कदम रखा था, उन्हें वापस पृथ्वी पर लेकर लौटा था। चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग बने, बज एल्ड्रिन जो चांद पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति बने, और माइकल कॉलिंस जो चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते मुख्य यान में ही बैठे रहे, वे चांद पर नहीं उतरे थे। 24 जुलाई को तीनों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर प्रशांत महासागर में उतरे और अपने साथ 21.5 किलोग्राम के चांद के नमूने लाए। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह मिशन मानव इतिहास व अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। तो ये थी आज की तारीख की कुछ खास और महत्वपूर्ण जानकारी। खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।